कराची के इलाके लियारी ली मार्केट में एक ही ख़ानदान की चार खातिन का लर्जा खेस कत्ल हुआ है पुलिस के मुताबिक ख़ानदान के सरबरा की बीवी बहू बेटी और नवासी को तेज धार आलिस से कत्ल कर दिया गया पुलिस का कहना है कि तफ्तीश में कुछ शवाहद मिले हैं ख़ानदान के सरबरा के एक बेटे से पूछ गछ कर रहे हैं चौथी मंजिल के फ्लैट से रात गए चार खातिन की लाशें मिली मकतुलीन में वालदा बेटी बहू और नवासी शामिल हैं जिनकी शनाख्त बारह साल अलीना अठारह साल मदीहा उन्नीस साल आयशा और पचास साल शमशाद बेगम के नामों से हुई है चारों खुवान की लाशें मुख्तलिफ कमरों से मिली तमाम खुतिन को तेज धार आले से कतल किया गया था वाक़े के बाद पुलिस ने मकतूला शमशाद के शोहर फारूक और बेटों बिलाल और समीर अली को थाने मुंतकिल किया जहाँ इनसे वाके की तफसीत ली गयी पुलिस हुकाम का कहना है की रात को ही कमरे के बिस्तर के नीचे ऐसी तीन माह का बच्चा भी मिला बच्चा मकतूला खातून के बेटे समीर अली का है तफ्तीश में पुलिस का बताना है की मकतूला शमशाद ने घरेलू नाचाकी की शिकायत मुताद को दी थी जबकि मालूम के मालूमात दौरान मकतूला के बेटे बिलाल के हाथ पर भी ताज़ा जख्म का निशान मिला है उंगली में जो है वो कट लगा हुआ है लिया हिरासत में नहीं लिया मालूम के लिए हमने उनको बिठाया हुआ पुलिस हुकाम का कहना है कि फ्लैट के अतराफ से सीसीटीवी टीवी हासिल की गई हैं, जिसमें फारूक और बिलाल को आते जाते देखा जा सकता है इसके अलावा क्राइम सीन यूनिट को फ्लैट से चंद छियाँ भी मिली हैं, जिन्हें सफाई से धोया गया है दूसरी जानब चारों खीन की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है लाशों के नमूने कीमियाई तजी और डी एन ए के लिए भेज दिए गए हैं कैमरा मैन झिशान इकबाल के साथ साथान शाह जियो न्यूज कराची